हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पिंकी। पिंकी किचन में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक भी मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अच्छी तरह दाल को धो के भिगो के रखे हैं एक घंटा। मिक्सर ग्राइंडर में इसे भी पेस्ट बना लेंगे। एक अंडे और 2 चम्मच बेसन से मैंने घोल के रखे हैं इसको। अभी मिक्सचर डाल के डाल देंगे। कलौंजी दिए हैं मैंने। हल्दी पाउडर डाले हैं मैंने। स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। इसे हाथों से अभी मिक्स करेंगे। हो गए हैं मिक्स करना। प्याज और हरी मिर्च डाले हैं। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। 1 स्पून की सहायता से इसे अब एक एक करके तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे। ये बहुत पॉपुलर रेसिपी है, सबके घरों में ये बनते हैं। आज मैंने बनाए हैं तो इसीलिए आपसे शेयर किए हैं। आप अपनी हाथों से भी इसे एक एक करके छोड़ सकते हैं, गोल गोल करके। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। हो गए हैं 2 मिनट। अभी धीरे धीरे इसे हम पलटेंगे, दूसरी साइड भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी हर किसी को बनाने आते हैं। ब्राउन कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह, देखिए। थोड़ा लाल लाल कलर होते हैं तो ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। इसी तरह फ्राई कीजिए। अभी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे, सारे बड़े निकाल लेंगे एक एक करके। एक कुछ दाल से खाने के लिए रखे हैं और इससे हम कढ़ी बनाएंगे। रेडी हो गए हैं। जिंजर लिए हैं मैंने पेस्ट, लहसुन पेस्ट, सफ़ेद जीरा, गरम मसाला, तेजपत्ता और 2 प्याज लिए हैं मैंने पेस्ट। खट्टे दही लिए हैं मैंने। आलू कट कर लिए हैं छोटे छोटे करके। टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। इसी कढ़ाई में मैंने कढ़ी बनाने हैं। 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाले हैं मैंने। अभी हम आलू को फ्राई कर लेंगे। अभी हम आलू को भी निकाल लेंगे कढ़ाई में से। इसी कढ़ाई में फिर से हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, तेजपत्ता, गरम मसाला और सफ़ेद जीरा फोड़न दिए हैं मैंने। सारे मसाले अब डाल देंगे कढ़ाई में। हल्दी पाउडर डाले हैं मैंने 2 चम्मच। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये करी। आप राइस के साथ इसे खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाले हैं मैंने। लाल मिर्च के पाउडर डाले हैं। स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। अभी इसे अच्छे से चला लेंगे। फ्राई हो गए हैं मसाले। अभी हरी मिर्च डाल दिए हैं मैंने।
से दही डाल दिए हैं मैंने। अभी आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी ही सारे बड़े को कढ़ी में डाल देंगे। अच्छी तरह इसे चला लेंगे फिर से। जीरा पाउडर डाले हैं 1 चम्मच। 2 मिनट और पकाएंगे इसे। हो गए हैं कढ़ी। अगर मेरे रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए।